Music! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't... सुबह सुबह हमें एक बैड न्यूज़ मिला है कि हमारे सोसाइटी में जो है फिर से एक पॉजिटिव केस मिला है, जिसके कारण सोसाइटी को सील कर दिया गया है। अभी हम ना जा सकते हैं, ना कोई अंदर आ सकता है। और अभी कल ही मेरा अनियंस एंड पटेटोज कुछ जो ख़त्म हो गए थे, सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ऑर्डर कर लूँ आज, या तो शाम को निकलूँ या तो फिर इनको बोलूँ जाने के लिए। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि अभी बाहर जाना सेफ रहेगा। Wow, isn't it amazing? मेरा ये छोटू सा पुदीना का प्लांट जो मैंने लास्ट वीक ही लगाया था, I'm just hoping कि अच्छे से ग्रो कर जाए। तो इस ठंडी ठंडी हवा के साथ आज का दिन मैं शुरू करने जा रही हूँ और बनाने जा रही हूँ अभी एक हेल्दी सा यम्मी सा ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ प्रभात, और कैसा चल रहा है आप सबका? बढ़िया दिन है आज और बढ़िया से सुबह, और इसी के साथ वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ब्रेकफास्ट विद क्रीम ब्रेड एंड अ ग्रेट स्माइल। सो हैव अ वेरी नाइस एंड ग्रेट डे और बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग मिस्टर घड़ियाल बाबू, लेकिन आज सुबह से ये मुंह फुका के बैठे हुए हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिला। तो चलो थोड़ा बहुत खाना दे देते, एक बैटरी लगा लेते। तो अभी रेडी है घड़ियाल बाबू का खाना। यहाँ पे भी हमारा एक खाना रेडी है जो कि हम नहाने के बाद खाएंगे। चलो ये तो हो गया। अभी घड़ियाल बाबू का टाइम कितना हुआ? See you again. खुश है, खाना खा चुके हैं। अभी मैं भी चलता हूँ नहाने, फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। अभी अभी मैंने पूजा भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए आपको दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत सा धुधुर आया था हमारे घर पे जो मैंने भगवान जी को चढ़ाया है। आ जाइए। चाय पे अभी होगा काफी सारा गपशप। गवर्नमेंट ने काफी दिन लॉकडाउन दिया, लेकिन हमारा इकोनॉमी जो है क्रैश पूरा क्रैश होते जा रहा था। सिर्फ हमारी देश की बात नहीं है, पूरे दुनिया का ही एक ही हाल है। और वही हाल को मद्देनजर रखते हुए, ताकि अपना इकोनॉमी फिर से एक प्रॉपर जगह पे आए, इसलिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोला। अगर इतना प्रिकॉशन के बाद भी किसी को हो सकता है, तो फिर हम आप वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग को अभी तक हुआ नहीं है। और ना हो, कैसे भी निकल जाते हैं लोग आजकल, लॉकडाउन खुला तो निकल गए, चलो घूम के आते। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना ख्याल रखो अपने लिए। अगर आपको डर नहीं है तो उसके लिए डरो जिसके साथ आप रोज एंजॉय करते हो रहना, आपके सबसे करीबी इंसान को ध्यान में रखते हुए, जिनसे आप रोज मिलते हो, जिनके साथ आप गपशप करते हो, जिनके साथ आप चाय पीने एंजॉय करते हो, जैसे मेरे वाइफ के साथ, तो उनके लिए ही सही। अपना प्रिकॉशन लो, गवर्नमेंट ने जो प्रोटोकॉल्स बोला है उसे फॉलो करो, और जरूरत के बिना निकलने का क्या जरूरत है, घर पे एंजॉय करो फैमिली के साथ। हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे? यार एक्चुअली क्या है कि लास्ट 3-4 दिन से काफी लेट हो जा रहा था, और रात को मतलब 12-12:30 बजे तो हम लोग खा रहे थे, और उसके बाद एडिटिंग करके अपलोड करते करते 2-3 बज जा रहा था, आप खुद ही जानते हो। तो ये सब के चक्कर में काफी हेल्थ नेगलेक्ट हो गया। अभी चल रहा है दाल राइस और कुछ प्याज के साथ बढ़िया डिनर का प्रिपरेशन हुआ है। अभी क्या है कि अपने वाइफ जब थोड़ा लो रहते हैं, हम हस्बैंड्स का भी थोड़ा बहुत एक जिम्मेदारी बनता है कि जितना बना सको उतना बना लो। काफ़ी सारे हस्बैंड्स तो काफ़ी बढ़िया खाना बनाते हैं यार, और मेन बात यह है कि आप देखो तो
जितने भी फाइव स्टार के शेफ्स हो या टीवी में जितने बड़े बड़े शेफ्स आते हैं, संजीव कपूर बोलो, रणवीर ब्रार बोलो, सब लड़के ही तो है, कोई हस्बैंड है, कोई हस्बैंड होने वाला है, तो हम लोगों का भी कोई फर्ज बनता है कि थोड़ा वाइफ का हेल्प कर दिया जाए। तो यही मैंने राइस बना दिया, और आपने लास्ट टाइम तो देखा भी था कि बढ़िया स्प्राउटेड मूंग दाल का दाल फ्राई जो बनाया था मेरी वाइफ ने। सारा काम निपटाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लिया जाए। आज व्लॉगिंग में मैं आपको थोड़ा बहुत कम दिखूंगी, लेकिन आई मेक श्योर कि कल से आई विल गेट बैक टू माय रूटीन एंड जो मैं करती थी वो मैं करूँ, काम व्लॉगिंग एडिटिंग सब कुछ मैनेज कर सकूँ मैं। तो बस हैविंग सेड दैट, इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, लव यू।